अच्छा स्वामी जी, कुछ लोगों में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की वजह से चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अचानक से उनकी आंख और हार्ट से जुड़ी कुछ प्रॉब्लम्स उनमें दिखने लगती है, तो इसके लिए क्या करना है फिर? तो एक तो ये बाह्य प्राणायाम तो मैंने बताया, ऊर्ध्वरेता होने के लिए, अब आंख के लिए और हार्ट के लिए। एक तो आंख के लिए शीर्षासन और सर्वांगासन बताया था, ये अनुलोम विलोम, फिर अक्षी तर्पण। अक्षी तर्पण अद्भुत है महात्रिफला घृत से, और उसी महात्रिफला घृत को खा लें, आइग्रेट दो दो सुबह शाम ले लें, त्राटक कर लें, घास पर नंगे पांव चल लें, त्रिफला से आईवास कर लें, जल नेति या सूत्र नेति कर लें, अनुलोम विलोम इसके लिए अद्भुत है। आंखों पर सच में बहुत लोगों को असर आता है, और हार्ट पर भी असर आता है। तो हार्ट पर असर आए तो क्या करें? अर्जुन की छाल दालचीनी, ओहो ये तो अर्जुन आरिष्ट जिंदाबाद, जो रोज पकाने का भी झंझट ना करना चाहते हो। और खाली पेट कार्डियोग्रिट, खाने के बाद हृदयामृत दो दो गोली, सुबह दोपहर शाम तीन बार, अप्रतिम, और हार्ट ऐसे मजबूत बन जाता है। और इसमें गोमुखासन के साथ साथ ये गोमुखासन, मकरासन और भुजंगासन, इनको ज़्यादा कर लें। खाली पेट कार्डियोग्रिट, एक एक सुबह दोपहर शाम, खाने के बाद दो दो हृदयामृत, अर्जुनारिष्ट के साथ ही अर्जुन छाल दालचीनी ले लें, और हार्ट 100 नहीं 150 200 साल तक चलेगा। हमारे जीते जी और हमारे जाने के बाद भी यह हार्ट हमारा और किसी के काम आएगा, क्योंकि स्वामी रामदेव का हार्ट 100% परफेक्ट है। ना तो कोई इन्फ्लेमेशन, ना कोई ना हार्ट में इन्फेक्शन, ना कोई हार्ट में ब्लॉकेज, ना इंजेक्शन फेक्शन की कमी, हार्ट की नस नाड़ियाँ एकदम फर्स्ट क्लास। मेरे जाने के बाद भी किसी को हार्ट रिप्लेसमेंट करना पड़े, लंग रिप्लेसमेंट करना पड़े, मेरा लंग 100% अच्छा है, क्योंकि प्राणायाम करता हूँ, नशे कर लेता हूँ, कभी कभी ब्रोनकोम खा लेता हूँ, श्वास आरी उससे और मजबूत हो जाता है। मेरे जाने के बाद मेरी किडनी काम आएगी, मैं कभी कभी गोखरू का पानी पी लेता हूँ, कभी रिनोग्रिट की एक गोली खा ली सप्ताह में एक ही बार, कभी लिवोग्रिट खा लिया ऐसे ही एक बार। तो ऐसे कुछ लोगों ने तो रूटीन बना रखा, एक महीने में 30 चीज़ें प्रयोग कर लेते हैं, किडनी के लिए रिनोग्रिट, लीवर के लिए लिवोग्रिट, हार्ट के लिए कार्डियोग्रिट या हृदयामृत, और हड्डियों के लिए ऑर्थोग्रिट, स्किन के लिए गोधन अर्क कायाकल्प डर्माग्रिट या सोरोग्रिट, मस्तिष्क के लिए मेधावटी या मेमोरी ग्रिट, कान के लिए ईयर ग्रिट, आँख के लिए आई ग्रिट की 100 साल तक अच्छा रहना। तो 30 दिन का एक रूटीन बना रखा है कि एक एक चीज़ खाते रहते हैं और मस्त रहते हैं, हमारी बहन मीनाक्षी जी की तरह, अमित भाई की तरह, और जो है हुसैन तो हमारे सबसे ज्यादा मस्त रहते हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं स्वामी जी। और यही मुस्कुराहट इस कार्यक्रम के जरिए लाखों करोड़ों लोगों तक पूरे विश्व में पहुंच रही है। स्वामी जी, मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए आपने योगाभ्यास तो बताए, लेकिन प्राणायाम पर एक बार मैं आपको लेकर आना चाहती हूँ। कौन कौन सा प्राणायाम? आपने कहा कि अनुलोम विलोम तो करना ही चाहिए और लगातार करना चाहिए, अखंड करना चाहिए, अगर पूरा इसका फायदा उठाना चाहते हैं तो। स्वामी जी, एक बार प्राणायाम कौन कौन से, कितनी देर तक करने चाहिए, और ओंकार ध्यान का कितना फायदा मिलता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में? भस्त्री का 5 से 10 मिनट, कपालभाति 10 से 20 मिनट, और अनुलोम विलोम आधा से 1 घंटा। और जब ये DMD, MND, SLMS, ऑटोमेंडिटी, न्यूरोपैथी, कैंसर जैसे रोग, कुछ ऐसे ही सेरेब्रल पैलेसी, एपिलेप्सी, ये कुछ 10-10 मिनट में दौरे पड़ रहे हैं, और सेरेब्रल पैलेसी के कारण से, पैरालिसिस के कारण से लड़खड़ा करके चल पा रहे हैं, उनको मैं पूरे दिन भर करवा देता हूँ। एक खास बात, माने ये अनुलोम विलोम जब दिन भर करते हैं ना, तो एक अलग प्रकार का ऊर्जा क्षेत्र अंदर शरीर में तैयार होता है, और वो बॉडी को अपने आप हील कर देता है। और एक चीज़ और, अनुलोम विलोम करते करते एक सेल्फ हीलिंग का तरीका है, अपनी बॉडी को पॉजिटिव डायरेक्शन देना सीखें। यह आज की हेडलाइन है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है, अपनी बॉडी को पॉजिटिव इमोशंस दें, पॉजिटिव डायरेक्शन दें, अपने माइंड को, अपने सोल को, अपने पूरे शरीर को, इंद्रियों को, चित्त चेतना को, जो ऐसे अपने आप को पॉजिटिव हीलिंग के साथ योग में ढालते हैं ना, मीनाक्षी जी उनके जीवन में कोई रोग, कोई सुख, कोई दारिद्र्य, कोई नैराश्य, कोई कुंठा नहीं रहती। छोटी छोटी मुसीबतों से, छोटे छोटे संकटों से, छोटी छोटी समस्याओं से लोग लड़खड़ा रहे हैं, बहुत दुखी हैं। अरे देखो उनको जो अफगानिस्तान में रह रहे हैं, देखो जो उनको जो यूक्रेन में रह रहे हैं, देखो जहाँ पर बहुत गरीबी है, ऐसे देश जहाँ बहुत बेबसियाँ, लाचारियाँ,
इतनी दरिद्रता है, और हिंदुस्तान के भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास में, जिनको कैश इन हैंड बोलते हैं, शायद 10 करोड़ ऐसे लोग होंगे हिंदुस्तान में भी, वो अपनी खेती बाड़ी करके अपने जीवन को जी रहे, गुजर बसर हो रहा उनका, लेकिन वो प्रकृति और संस्कृति के संग ही जी रहे हैं, अरण्यवासी हैं और मस्त है। और आदमी आजकल बहुत कुछ होते हुए भी मतलब खाली खालीपन, सोना सोनापन, तो अनुलोम विलोम और ये सब योगाभ्यास पूरे अंतर्मुखी होकर के सेल्फ हीलिंग के साथ और आत्मगौरव, आत्मतृप्ति और पूरी अंतर्मुखता पूर्ण तृप्ति के साथ करें, तो ये अनुलोम विलोम, इसके बाद ये भ्रामरी। और जहाँ कहीं से स्वामी जी आपको सब लोग देख रहे हैं, वो अपने अपने प्राणायाम के सेशन को कंप्लीट करें जी मेरे भाई।